few moments later. हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा मनपसंद, आप देख रहे हैं मनपसंद यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग, कैसे चल रही है आपकी सोलो बुमरैंग पुश, प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस यहाँ पे इवेंट हमसे बहुत दूर बना हुआ था, तो यहाँ से गाड़ी उठा के आ जाते हैं हम सीधा इवेंट पे, और आते यहाँ पर मेरे को दो बोट मिल जाते हैं। दो बट मिलने के बाद यहाँ पे अपना खाता तो अच्छा खासा खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे इवेंट पे पर्याप्त बंदे होते हैं, और बंदे के साथ यहाँ पे अपन को फोकस था रिकल उठाने का, जो यहाँ पे अपन उठा भी लेते हैं, लेकिन गलती मेरी थी यहाँ पे, मैं फिनिश करता हूँ। चलो उसके यहाँ पे इग्नोर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आने के बाद एक और मेरे पे वोट मिल जाता है रिकल के यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बंदा कैम्प करके बैठा हुआ है, जो यहाँ पे ऊपर साइड को कैम्प करके बैठा हुआ है, जिसमें से आप मेरा एक टीममेट तो मेरा रिकॉल उठा लेता है, बट यहाँ पे ऊपर बंदा था। पहले इससे फाइट देखो, पता है जब मैं रात को यहाँ पे गेम खेल रहा था, मेरे को लग ही रहा था यहाँ पे नेट आ रहा है, बट यहाँ पे अपन मर जाते थोड़ी देर से, बट कोई नहीं, अपने पास रिकॉल था तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं है। अब देखो यहाँ पे जितने ज़्यादा किल होने वाले हैं, उसमें यहाँ पे एक ही बंदे को मैं रिकॉल को मारा हूँ, बाकी सब मैं बोट को फिनिश किया है, लेकिन यहाँ पे अपने पास रिकॉल और कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अभी देखो मैं फ्लैल के लिए रस खेल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी सेफ खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी केडी मेंटेन और रैंक बूस्ट ज़्यादा किया जाए। तो ऑलरेडी यहाँ पर रैंक पुश नहीं कर रहा मैं, ऑलरेडी यहाँ पे रेस्ट खेल रहा हूँ, क्राउन तक रेस्ट खेलूँगा, उसके बाद थोड़ा हल्का सा सेफ खेलूँगा, जिसमें से यहाँ पे अपना थोड़ा सा केडी मेंटेन रहे। बंदे ये भी ना कहे गाइस इसकी केडी बहुत नूब है, वो आपको कल मैं बताऊँगा मैच में यहाँ पे मेरी केडी निकली है। उससे पहले गाइस अगर आप वीडियो में पहले बनाना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको वीडियो मिलते रहेंगे सोलो प्रेजेंटिंग कॉन्कर रैंक पुश वीडियोज को यहाँ पर भरपूर रोज़ आपको देखने को मिलती है। तो फटाफट यहाँ से लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब ठोक के दबा दीजिए। अब चलो फटाफट आते हैं मेन पार्ट पे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे भरपूर लूट था, आपको जैसे पता है यहाँ पे मैं टीम अपग्रेड खेलता हूँ, जो यहाँ पे हर बार खेलता हूँ, अगले सीन खेला था और इस बार भी सीन खेल रहा हूँ। इस बार तो और पर्याप्त बंदे हैं मेरे साथ, और अगर आप लोग कमेंट में बताना यहाँ पे हम लोग टीम अप कैसे करते हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो आपको लेके आऊँगा, खाली आपको कमेंट करना है। अब देखो सामने साइड यहाँ पे फाइट हो रही थी आगे साइड को, जो उस वाले बंदे के पास वैसे रिकॉल होता है और वो बी आई डी में हमारे लेके जाता है, तो पहले इस बंदे से फाइट देखना, और मेरा यहाँ पर टीम मेट फिनिश हो जाता है। अब देखो इस वाले बंदे को मारने के बाद मेरा टीममेट भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है, जो इसके बंदे के पास ही भरपूर लूट होती है, लेकिन जो अभी ये बंदा मरा हुआ है ना, शायद इस बंदे के पास रिकॉल था, जब ये बंदा यहाँ पर रस खेल रहा था, नहीं तो इतना रस नहीं खेल सकता था। और यहाँ पर जो मेरा टीममेट मरा है, ये वापस से यहीं पर आने के बाद अपना लूट कम्प्लीट करेगा, लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर मेरे बंदे से फाइट होने वाला है, मतलब एक बंदा यहाँ पर और है टीम अप करने वाला, और उस वाले बंदे को इसको इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, खाली आपको यहाँ पे गेम प्ले देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ उस वाले बंदे के पास जो यहाँ पे वेट कर रहा था, तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट आगे साइड को। अब देखो यहाँ पे मैं इसलिए आया था, मेरे यहाँ पे कॉइन यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रही थी फाइट लेने से पहले, क्योंकि मेरे को पता था अगर वहाँ पे मर गए ना तो मेरे यहाँ पे कॉइन चले जाएंगे, तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने कॉइन उठा लेता हूँ, मैंने कॉइन से जीने पे ड्रॉप किए थे कॉइन, तो पहले फटाफट यहाँ से कॉइन उठा लेता बोल लो। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट जोन में आने के बाद
एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास ही फ्लेम गन थी और मेरे टीममेट के पास ही फ्लेम गन थी, और उससे पहले यहाँ पे जो मेरी फ्लेम गन है मैंने यहाँ पे जोन के अंदर चला दी है, जिसमें से यहाँ पे मेरा ड्रॉप आया है और इस ड्रॉप का मैं फ़ायदा भी नहीं उठा पाया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मैच यहाँ पे अच्छा खासा निकालना है तो आपको पता है होल्ड तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग मतलब जो हम तीन बंदे यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हो ना, वो सारे बंदे यहीं पे होल्ड करने लगते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कितने देर होल्ड करते हैं वो भी देखो। अब हम लोग के पास यहाँ पे एक बंदे के पास वीआईडीएम है और बाकी सबके पास भेड़िया है, और आपको पता है भेड़िया कितनी ज़्यादा तेज़ भागता है, गाड़ी उसके आगे कोई गैर में नहीं आती है, इतना तेज़ भागता है स्पीड में। तो हम लोग आ जाते ऊपर से और यहीं पर होल्ड करते बहुत टाइम तक। तो गाइस यहाँ पे हमारी बहुत टाइम से गप्पे लगती हैं और हम लोग यहाँ पे मतलब ऐसे ही इंजॉय करने लगते हैं। बंदे तो आ नहीं रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बन जाते हैं भेड़िया, और भेड़िया बनने के बाद यहाँ पे भरपूर मज़ा लेते हैं। तो बस यहाँ की मज़े देखो वाली। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने मज़े ले लिए, यहाँ से जोन स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग निकलते हैं फटाफट यहाँ से जोन में, क्योंकि अच्छी खासी अपन पोजीशन मिल गया ना, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है रैंक पोस्ट बहुत खतरनाक चीज़ होती है और हर कोई यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्कर नहीं ले करता, लेकिन यहाँ पे इग्नोर करते उस चीज़ को, पहले अपन रैंक पोस्ट पर ध्यान देते हैं और अपन देखते हैं यहाँ पे अपन कहाँ पे पोजीशन होल्ड करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही निकलते हैं ना, तो यहाँ से इतना ज़्यादा गंदा ही मतलब लैग मारता है और रेंडर होता है, सिंपल सीधी बात, यहाँ पे बहुत गंदा रेंडर होता है और पीछे से यहाँ पे पड़ते हैं स्प्रेस जो यहाँ पे बस आते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब मेरे को यहाँ पे एक सेकंड को लगा है कि यहाँ पे हम लोग की दोनों बंदे की पेटी बन जाती है, लेकिन आखिरकार यहाँ पे बस जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पहाड़ी पे बंदा था और सीधा ये बंदा घुसा देता है, और बंदा से कैसे भाग के निकलता है वो देखना, और कहाँ पे मर के जाता है वो भी जरूर देखना। देखो यहाँ से बंदा तो निकल जाता है बच के, लेकिन यहाँ पे आगे साइड एक बंदा और था जो यहाँ पे गाड़ी वाला बंदा था, और ये बंदा यहाँ पे आराम से होल्ड करके बैठा हुआ था। मेरा एम था खाली इस वाले बंदे के पास, लेकिन मेरे को अभी पता नहीं था इस वाले मैच में यहाँ पे हैकर है और वो हैकर मेरे को फिनिश करने वाला है लास्ट में। बस यहाँ पे देखना ये जरूर है कि हैकर कौन है यहाँ पे।
देखो हम लोग को यहाँ पर वाट टाइम हो जाता है। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से फटाफट जोन में, क्योंकि 15 सेकंड बच हुए हैं जोन जाने के लिए, और जोन यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा मुसीबत हो जाती है। तो हम लोग जैसे यहाँ से निकलते ना, और फिर मतलब यहाँ पे फिर मेरा डिवाइस इतना ज़्यादा लैग मारता है ना, क्या ही बताऊँ आपको। बस देखो भाई साहब, मेरे को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए लगा, ये क्या हुआ मेरे को कुछ यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था। तो भाई आज की वीडियो में तरीका मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना।